आप सभी को नमस्कार। माहौल उम्मीद से ज्यादा ठंडा लग रहा है। सबसे पहले आप सभी लोग का, मैं सौरभ चौधरी, आप सभी लोग का, आप सभी आगरा वालों लोग का और आप सभी भारतीय लोगों का, जो आप सभी लोगों ने भारतीय कल्चर के तौर पे मेरा स्वागत किया है, इतना सम्मान दिया एक साधारण से बच्चे को, मैं आजीवन आप सभी लोग के इस सम्मान के लिए आभारी रहूंगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। एक बात थोड़ा सा इसमें मुझे कमी लग रही है और मेरी एक बहुत बुरी आदत है, तो मैं अच्छाई तो पहले अभी बाद में बात करेंगे, क्योंकि अच्छी बात तो हर आदमी कर लेता है लेकिन अपने अंदर की बुरी बात बहुत कम लोग बता पाते हैं। तो मैं पहले बुरी बात रख लेता हूँ, फिर अच्छी बात बताता हूँ, आप लोग साथ दे पाएंगे। बुरी बात यह है कि कहते हैं नींबू, नींबू समझते हैं, नींबू, नींबू समझते हैं आप लोग? आप लोग इंग्लैंड से आए हैं? आप लोग इंग्लैंड से यहाँ कोई बैठा है क्या? सभी लोग नींबू समझते हैं? नींबू अभी भी आवाज नहीं आ रही है, नींबू समझते हैं आप लोग? या तो मेरे मतलब आवाज आप तक पहुंच नहीं रही है और या तो आज आपने मौन धारण का व्रत रखा हुआ है। साथ दे सकते हैं आप लोग? कहते हैं नींबू घर पे कब तक रखा जाता है, जो नींबू होता है वो घर पे कब तक रहता है हमारे? जब तक उसमें रस होता है, जब तक उसके अंदर रस होता है, जिस दिन रस खत्म हो जाता है गेट आउट हो जाता है कि नहीं हो जाता है? तो वैसे ही कहा जाता है सफलता का सबसे बड़ा मंत्र यही माना जाता है कि किसी व्यक्ति को अगर सफल होना है तो उस इंसान को इस दुनिया वाले तब तक पूछते रहते हैं जब तक उसके अंदर जोश जुनून उत्साह और कुछ पागलपन रहता है। और यहां बैठा हुआ हर एक इंसान से मैं पूछना चाहूंगा, क्या आप जीवन में सफल होना चाहते हैं? यस और नो? तो क्या आपके अंदर वो उत्साह है? और एक बात और मेरे गुरुजी बताते हैं कि जिस फुटबॉल के अंदर अगर हवा होगा तो खेलने वाला 5 साल का बच्चा भी उसको गोल तक पहुंचा देगा, और अगर फुटबॉल के अंदर अगर हवा ही नहीं होगा तो खेलने वाला दुनिया का सबसे बेस्ट प्लेयर रोनाल्डो भी आ जाए ना तो भी उसको गोल तक नहीं पहुंचा पाएगा। यस और नो? तो क्या आप लोग एक्साइटेड हैं? अभी भी कुछ बजट खुला नहीं है। अरुण जेटली का नाम सुना आप लोगों ने? वित्त मंत्रालय में हमारे बैठते हैं, सभी लोग जानते हैं अरुण जेटली जी के बारे में। इस बार ऐसा कहीं हुआ है, कहीं मतलब स्टेटमेंट आप लोगों ने देखा, गवर्नमेंट का स्टेटमेंट आ गया कि इस बार मतलब अगर यस अगर बोल देंगे जोर से या अगर थोड़ा स्माइल कर लेंगे या अगर ताली बजा देंगे तो इस बार जीएसटी कट जाएगा आपकी स्माइल पे? ऐसा कहीं अरुण जेटली जी ने फाइनल किया क्या? हंस सकते हैं आप, बोल सकते हैं, ताली में साथ दे सकते हैं? और ताली गम में बजाया जाता है खुशी में? आज क्या है लेकिन गम कई लोग पे चेहरे पे दिख रहा है। और मैं वादा करता हूं अगर आपने इस आने वाले इस पल में अगर आपने मेरा साथ दे दिया तो गम हो सकता है आपके बॉस का होगा, गम हो सकता है महंगाई का होगा, गम हो सकता है आपकी बीवी बच्चों का होगा, गम लोन का होगा, लेकिन आपसे मेरा वादा है कि अगर 35 से 40 मिनट अगर आपने मेरा साथ दे दिया और हमारे मेंटर्स को सुन लिया तो मेरा आपसे वादा है कि इस अभी तक आपकी लाइफ में आप कहां से उठ के यहां तक आए हैं मैं ये तो नहीं जानता हूं, आप कहां से आए हैं इस बात से फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन लाइफ में आपको यहां से अब कहां जाना है इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। यस और नो? तो मेरा आपसे एक बात का वादा है कि अगर 35 से 40 मिनट अगर आप लोगों ने साथ दे दिया तो इस बिजनेस को आप करिएगा या मत करिएगा ये बात की बात है, लेकिन अगर आप यहाँ पे अपना बेशकीमती समय निकाल के, अनमोल कीमती समय निकाल कर, बच्चे परिवार पर किसी और को ना देकर अगर आप सभी लोगों ने अपना बेशकीमती समय यहाँ लगाया है तो मैं चाहता हूं आपका ये समय, क्योंकि पैसा मायने नहीं रखता है, पैसा आता और जाता रहता है, लेकिन जो आपने हमारे साथ समय इन्वेस्ट आज किया हुआ है, मैं सौरभ चौधरी और अपने लाइन अपने मेंटर्स की तरफ से मैं वादा करता हूं आप सभी लोगों से कि अभी तक क्या समझ में आया मैं नहीं जानता हूं, लेकिन अगर आपने जो समय इन्वेस्टमेंट मेरे साथ किया है मैं इसका 100% बेस्ट रिजल्ट आपको वापस रिटर्न करने के लिए मैं सक्षम हूं और तैयार हूं आपके साथ। क्या आप मेरा साथ दे सकते हैं? इधर वाले भाई साहब, इधर वाले, थैंक यू। मेरा नाम सौरभ चौधरी है, मैं रहने वाला उत्तर प्रदेश गोरखपुर का हूं। ये कहां पर है? बिगनिंग में इतना लीक कर रहा तो आगे तो फट सकता है।
चलिए मैं चाहूंगा सबसे पहले आपके जीवन में आगे बढ़ने का सबसे बड़ा मंत्र ये माना जाता है, कोई इंसान को मैंने ऐसे बहुत इंसानों को जानता हूं जो दुनिया के अधिकांश ज्ञान को जानते हैं लेकिन उनके बैंक बैलेंस को अगर मैच कराएंगे तो बिल्कुल उनका ज्ञान और बैंक बैलेंस मैच नहीं खाता है। बैंक बैलेंस बता रहा है 34,004 रुपया और उनका ज्ञान है 50 करोड़ रुपए के बराबर में। उनका ज्ञान इतना बड़ा है कि वो महेंद्र सिंह धोनी को बताते कि कौन सी बॉल पे छक्का मारना है कौन सी बॉल पे छक्का नहीं मारना है। नरेंद्र मोदी जैसे पीएम इतनी बड़ी महान हस्ती को वो बताते हैं कि देश ऐसे नहीं ऐसे चलाना होता है। इतना बड़ा सलाह देने का दम वो लोग रखते हैं लेकिन जब उनके बैंक बैलेंस को चेक किया जाता है तो बिल्कुल भी उनके शब्दों में मैच नहीं खाता है। और मैं ऐसे बहुत सारे ज्ञानियों को धरती पे जानता हूं लेकिन ज्ञान होने से मैं ऐसा समझता हूं कोई इतनी बड़ी उपलब्धि नहीं मिलती है। सबसे बड़ी अगर उपलब्धि मिलती है, अगर आप सफल होंगे या आप असफल होंगे, उसका एक ही कारण होगा, वो आपका डिसीजन होगा। जो डिसीजन ले लेते हैं टाइम पे वो आगे निकल जाता है और जो डिसीजन नहीं ले पाता है, सक्षम नहीं होता है, तो जिंदगी में जो आगे निकल जाता है उसको देख के जिंदगी में काश लगाता है कि काश मैंने भी उस समय कुछ कर लिया होता। यस और नो? और आज आगरा की जनसंख्या, मेरे हिसाब से आगरा की जनसंख्या केवल इतनी तो नहीं होगी जितनी यहां बैठी है। क्या बोलते हैं आप लोग? कम से कम अगर यहां की जनसंख्या होगी तो 1 करोड़ से ऊपर होगी। हेलो, 1 करोड़ मैं ज्यादा बोल दिया लग रहा, 50 लाख तो होगी, 30 लाख, 10 लाख। आप लोग किसी में सहमति नहीं जता रहे हैं। 2 लाख, 30 लाख। अच्छा 30 लाख, अब बोल रहा हूं 30 लाख है। अच्छा अब इतनी तो जनसंख्या नहीं लेकिन 30 लाख लोगों में आज वो 30 लाख लोग आप कल्पना करके सोच के देखिए कि वो लोग पता नहीं अपने लाइफ में आज क्या कर रहे होंगे। शायद वो आज भी वो अपने 32 साल की मर्रा की जिंदगी में वही 9 से 4 बराबर कर रहे होंगे। आज पढ़ाई में स्टूडेंट लगे होंगे। पता नहीं कई सारे लोग आज होप भी नहीं है कि आगे क्या हो सकता है, वो आज की दिन को बस लेके जी रहे, चल रहे, काट रहे हैं। लेकिन आप सभी लोग सेलेक्टेड वो लोग हैं जो 30 लाख लोगों में से, बुलाया तो कईयों को गया होगा लेकिन रुक जा चैंपियन, 30 लाख लोगों में से कहीं ना कहीं आप वो सिलेक्टेड लोग हैं जिन लोगों ने अपना बेशकीमती समय निकालकर आज 30 लाख लोगों में से हटकर एक कमिटमेंट लिया है, एक निर्णय लिया है कि चलते हैं यार, देखते हैं कि इस भीड़ से कैसे अलग होकर अपनी एक पहचान बना सकते हैं। यस और नो? तो मैं चाहूंगा आपके इस अपने कमिटमेंट के लिए आपके लिए एक तालियां होनी चाहिए। कितने ऐसे लोग हैं जो आज फर्स्ट टाइम मेरी मुलाकात हो रही है, मतलब फेस टू फेस हम लोग पहली बार मिल रहे हैं, काफी लोग हैं। अच्छा ऐसे कितने ऐसे लोग हैं जो मतलब आज इस बिजनेस में अभी ज्वाइन भी नहीं है, मतलब अभी ज्वाइनिंग नहीं हुई उनकी, ऐसे कितने लोग ज्वाइन नहीं हो? चलो बढ़िया है। मैं चाहूंगा अपने इन जो नए हमारे भाई साहब लोग, ये दोस्त हमारे पार्टनर्स आए हैं, पक्का भरोसा है कि ये यहाँ से ज्वाइन करके ही जाएंगे, तो मैं इनके आने वाले अच्छे फ्यूचर के लिए, आने वाले भविष्य के हमारे डायमंड है, तो मैं चाहूंगा अपने पुराने साथियों से अपने नए साथियों के वेलकम के लिए तालियां होनी चाहिए। थैंक यू। आज आप लोग से मुझे बातचीत करने का मौका मिला है और बातचीत हमेशा दो आदमी में होता है। कभी अकेले आदमी को बड़बड़ाते हुए देखा है? वो या तो उसके अंदर भूत समा गया है या तो मेंटल घिसक गया है, यही तो हो सकता है। तो मेरे अंदर तो ना तो भूत समाया ना तो मैं मेंटल क्रैक हूं, मेरे अंदर सब कुछ बराबर है। तो बातचीत करने के लिए दो आदमी चाहिए, एक सुनने वाला और एक बोलने वाला। और बातचीत के दौरान में जब आप मोबाइल लगाते होंगे तो मोबाइल में 10 डिजिट का नंबर डायल करते हैं और इधर से कहते हैं घंटी गई, रिंग गई, उधर से कॉल रिसीव हुआ, आपने इधर से बोला हेलो हेलो और उधर से पूरा पूरा मतलब रडार मिल रहा है, फ्रीक्वेंसी मिल रही है, कॉल रिसीव हो चुका है।